मोदी जी ने क्या कहा था, नाला निकल रहा था, नाले में हमने बर्तन लगा दी, उसमें छेद किया, पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय बेच रहे थे। बाप का फटा हुआ चड्डी है, हैं? अब बेटा कहेगा मादी मादी मादी, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, गले में 80,000 का मफलर है, 1.5 करोड़ का चश्मा है, 1.5 करोड़ का कलम है, 10 लाख का सूट है, 5 लाख का बूट है, लेकिन बंदा बोलता झूठ पर झूठ है, झूठ पर झूठ है। भाजपा का तो वही बात है, लाजू मरे ढीठू जिए, जो करते हैं वो लीला, दूसरा करता है तो कैरेक्टर ढीला। अभी आप लोग क्या कहते हैं, मोदी जी 5 किलो गेहूं दे दिए, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। भैया 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी होता और भारत में कितने शहर है, आप क्या बोल रहे हैं, फूस तो बोलो ढाक के ढाक। पहली बार आजाद भारत में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर भाजपा के लोगों ने चलवाया है, पहली बार कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर भाजपा के लोगों ने पैसे कमाए हैं। कौन से अंग्रेज से लड़ रहा है, बुलबुल पर चढ़ के, ऐसे ऐसे बुलबुल पर चढ़ के 60 रुपया महीना पेंशन लिया, तो भगत सिंह क्या कर रहे थे, गजब की बात है, तब तो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा फकीर बना दो जो 80,000 का मशरूम खाए, जो अपने लिए 85,000 करोड़ का प्लेन ले। आप सही सही बताना, अपने दिल पर हाथ रखे, आप पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो, तो इतने बड़े बड़े लोहे के सूल लगा देते हैं, वो लोहा का कोबरा वायर लगा देते हैं जो जंगली जानवरों के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। पंकज जी कल विपक्ष का बैठक हुआ, बीजेपी बोल रही थी पिकनिक था विपक्ष का, क्या था पिकनिक, था पिकनिक, विपक्ष के लोग पिकनिक मनाने आए थे पटना। 2014 से पहले का अगर भाजपा देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी एक ध्वज एक निशान मांग रहा हिंदुस्तान, और सत्ता के लिए बीजेपी दो ध्वज दो निशान की गोद में बैठ के सरकार चला रही थी, नहीं समझे। भाजपा का तो वही बात है, लाजू मरे ढीठू जिए, ये इतने ढीठ लोग हैं भाजपाई और ये बेशरम लोग हैं, ये कुछ भी बोल जाते हैं, मतलब जो करते हैं वो लीला और दूसरा करता है तो कैरेक्टर ढीला। अरे भैया आप दूसरे को कह रहे पिकनिक मनाने, तो आप जम्मू कश्मीर में महबूबा जी के साथ थे, फारूक अब्दुल्ला जी के साथ थे, तो क्या वहाँ पिकनिक मना रहे थे आप बताइए। मेढक है, मेढक कैसे तोले जाएंगे, पूरा विपक्ष मेढक है, मेढक है विपक्ष, एक तराजू पर कैसे। एनडीए में कितने घटक थे, अरे भाई एनडीए में कितने घटक थे, अभी तो सब, अरे पूछ रहे भाई एनडीए में कितने घटक हैं, 56 इंच का सीना है बस। अरे तो क्या वो मेढक है, जो एनडीए के साथ है जैसे एकनाथ शिंदे की पार्टी है तो क्या मेढक है, अकाली दल है तो क्या वो मेढक है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक लोकतांत्रिक पार्टी को अगर ये जंगली जानवरों से पक्षियों से तुलना करते हैं तो इनके चाल चरित्र चेहरा को उजागर होता है कि इनकी मानसिकता, जिन पार्टियों के साथ ये गठबंधन में थे उनको ये बरसाती मेढक समझते हैं, साफ है। फिर मोदी आएगा, आप लोग जितना जोर लगा लीजिए कुछ होने वाला नहीं, ऐसा किस आधार पर आप कह रहे हैं, आप भविष्यवक्ता हैं, दलित मुस्लिम साथ नहीं है, अरे भाई सुन तो लीजिए ना, आप भविष्यवक्ता हैं या 20 लाख ईवीएम जो गायब है उसके सहारे बोल रहे हैं, नहीं, ये स्पष्ट मोदी जी का विकास अमेरिका तक दिख रहा है, हाँ विकास दिख रहा है ना, अरे विकास तो इतना दिख रहा है कि जिस रेलवे में 250% किराया बढ़ा दिए गए और वो देखिए एक्सीडेंट कर गया, चूंकि रेलवे में कर्मचारी नहीं है, 1,40,000 सेफ्टी के पद खाली हैं, 3,12,000 रेलवे में कर्मचारी नहीं है, कितना विकास हुआ रेलवे में देख लीजिए, 3,12,000 पोस्ट खाली है फिर भी रेल चल रहा है, राम भरोसे हिंदू अटल चल रहा है ना, BSNL में 1,81,000 पद नहीं है, और प्रधानमंत्री, अरे भाई सुन रहे, मन की गति से चलेगा, मन में इच्छा रहेगा आप सीधा पहुंच जाना अहमदाबाद, साधारण ट्रेन चलाने की कैपेसिटी मोदी सरकार की नहीं है, जिस ट्रेन की पटरियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 18-19 में 9,607 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको 19 और 20 में 7,400 कर दिया गया, हर साल रेलवे का अपना बजट पेश होता था, सिर्फ रेलवे के बारे में ही सोचा जाता था, उस रेल बजट को बंद कर दिया गया और एक साजिश षड्यंत्र और प्रयोग के तहत रेल में, रेल के किरायों में, माल भाड़ा में,
जितना इजाफा हुआ, अगर ईमानदारी से मोदी सरकार काम करती तो रेल में सोने की पटरी बैठ जाती। आप देख लीजिए ना। अरे वो सब तो होते रहता है, मोदी जी की वजह से आप लोग जिंदा है, कोरोना में टीका देकर सबकी जान बचा ली। अच्छा, इससे पहले तो लोग मोदी, अरे भाई काम किए मोदी जी से पहले महामारी देश में नहीं आई, लोग जिंदा नहीं थे, और मोदी जी ने क्या किया? कोरोना के आगे आके खड़ा कर दिया। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने खोजा या मोदी जी ने खोजा? अरे भाई मोदी जी ने तो गैस खोजा था। अरे भाई आप सुनो ना भाई, आप भाजपा के आईटी सेल के प्रवक्ता हो, भाजपा के कि आप पत्रकार हो, मोदी जी ने क्या कहा था? नाला निकल रहा था, नाले में हमने बर्तन लगा दी, उसमें छेद किया, पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय बेच रहे थे। चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते सबने देखा। हसीर का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आप जैसे पत्रकार मोदी फिबिया के शिकार हैं, एगो होता है रतौदी, एगो होता है दिनौदी, एगो तो आपको मोदी फिबिया भेल है। अरे भाई सुन तो लो ना भाई, आपने अभी क्या सवाल किया? आपने जो सवाल क्या किया एक बार फिर से बोलना। मोदी जी फकीर थे, प्रधानमंत्री बन गए, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है? वाह, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख की डेढ़ करोड़ की घोड़ी, 1.5 करोड़ का चश्मा, गुजी का मफलर, 80-80 लाख रुपए का, भैया गजब की बात है। तब तो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा फकीर बना दो जो 80,000 का मशरूम खाए, जो अपने लिए 85,000 करोड़ का प्लेन ले। देखिए ना बंदा कितना बेशर्म है, गले में 80,000 का मफलर है, 1.5 करोड़ का चश्मा है, 1.5 करोड़ का कलम है, 10 लाख का सूट है, 5 लाख का बूट है, लेकिन बंदा बोलता झूठ पर झूठ है, झूठ पर झूठ है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, हवाई जहाज बेच दिया। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। शायद आप पत्रकार नहीं है, यही तो कह रहे हैं कि आप भाजपा वाइट जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हैं, पहला ऐसा देश है। राफेल तो आ गया है, राफेल तो आ गया देश में मोदी के आने से। अच्छा, तब पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हो गया, थरथर कांप रहा है पाकिस्तान, चाइना थरथर, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान में लाहौर में घुसा दिया था। अरे कितना हुआ सुनो ना भाई, 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिए थे इंदिरा गांधी जी ने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितने सैनिक बंदी किए गए आपको नहीं दिखता है? तब तो लग रहा था कि उस समय कप कप्पी आ रहा था पाकिस्तान को, आप उस दिन भूल गए। अरे भाई एयर स्ट्राइक घुस के मारते हैं, एयर स्ट्राइक पहले नहीं हुआ? अरे एयर स्ट्राइक अगर नहीं हुआ तो लाहौर में तिरंगा कैसे फहराए लाल बहादुर शास्त्री जी? इंदिरा गांधी जी ने कैसे, आप बताओ ना, आप तो थरथराहट। अब देखिए पहले विज्ञापन कोई नहीं करता था, अभी आप लोग क्या कहते हैं? मोदी जी 5 किलो गेहूं दे दिए। अब मोदी जी फ्री फंड में 80 करोड़ लोगों को, तो एक बात बताइए मोदी जी कहां से लाए? मामा के घर से कि नाना के घर से? कहते हैं ना मोदी जी कि देश का पैसा है, पहले विपक्षी पार्टी को बोलते थे ना कि जनता के पैसों से देता है, अपने घर से तो दे नहीं रहे, अगर दे रहे तो बता दीजिए। हाँ, हमारे पैसे से 100 रुपये का गेहूँ और 150 रुपये का विज्ञापन थैला छपता है, बताइए ना। अगर वही 150 रुपये का नमक तेल मसाला दिया जाता तो लोगों को तकलीफें नहीं होती। पार्लियामेंट दे दिए मोदी जी देश को, संसद भवन बना दिए, सपना नहीं सोच सकते आप लोग? आप एक काम करो, अपना दोनों किडनी बेच लो, अपने लिए एक नया कार ले लो, घर बना लो, जिंदा रहोगे आप। देखिए हमारा जो संसद भवन है, इससे कई पुरानी संसद भवनें हैं, इतिहास भवनों से नहीं बनती है, इमारतों से नहीं बनती है, इतिहास जन समस्याओं से, जन सरोकारों से बनती है। और जो देश में समस्याएं हैं, लोकतंत्र बचाने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आज देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। कोई भी आदमी अगर सवाल पूछ लेता है तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, राष्ट्रद्रोह। और सर नहीं लगाया मोदी ने, इमरजेंसी थोड़ी लग गया है देश में, क्या बोल रहे हैं? इमरजेंसी स्वघोषित इमरजेंसी है। आप बताइए डॉक्टर कफील के ऊपर जो केस हुआ, और आप मीडिया के लोग 63 बच्चों का हत्यारा चला रहे थे, वो 63 बच्चों का हत्यारा कौन? आज डॉक्टर कफील बरी कर दिए गए, किसने? उस ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली
एजेंसी को पैसा नहीं दिया, जिसके कारण 63 बच्चे की हत्या हुई। आपने भी तो मनीष कश्यप पर लगा दिया एनएसए, स्टालिन आपके मुख्यमंत्री लगा दिए। मनीष कश्यप के मामले में और डॉक्टर कफिल के मामले में अंतर है। मनीष कश्यप अगर सरकार से सवाल पूछते तब अगर एनएसए लगा होता हम उसके साथ होते, लेकिन मनीष कश्यप ने जिस आरएसएस की पाठशाला में हाफ पैंट पहनकर तलवार भाला लेकर प्रैक्टिस कर रहा था, भाजपा आरएसएस के हाथों की कठपुतली बनकर तमिलनाडु और बिहार के बीच में दंगा फसाद कराने की कोशिश की। बोलो फिर बात। अरे भाई सुन तो लो, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संघ में गए। आरएसएस, अरे सुन तो लो भाई, एक भी संघी 1924 में हेडगेवार कांग्रेस छोड़कर 1925 में आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस का मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो भारत की खुफिया जानकारी ब्रिटेन के महारानी को देता था। आपको पता होगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये आरएसएस वाले हिंदू युवाओं को मना कर रहे थे। हम तो यूपी में, अरे भाई सुन रहे हैं क्या, कहाँ से वीर हो गया? अरे भाई वीर कहाँ से हो गया बता तो दो। हैं कौन से अंग्रेज से लड़ा? बुलबुल पर चढ़ के, ऐसे ऐसे बुलबुल पर चढ़ के 60 रुपया महीना पेंशन लिया। तो भगत सिंह क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम शरीके लोगों को आप इनकी भावना को आहत कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। सिंगोल स्थापित हो गया, आप देशद्रोही बोल क्या? सिंगोल आ गया, सिंगोल। सिंगोल किस चीज का प्रतीक है बताओ आप? राजदंड है। है? राजदंड है। अभी राजा का शासन है या लोकतंत्र है? राजतंत्र है या लोकतंत्र है, हमको बताइए। राजा से कम है प्रधानमंत्री मोदी है? राजा है, राजा। आप पत्रकार हो? हमको तो शक लगता है आपके पत्रकार होने पर। है आप सही सही बताना, अपने दिल पर हाथ रख के, आप पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? मीडिया भाजपा की दलाल है। बिल्कुल, तो पत्रकार है, लेकिन सवाल करना दलाली हो गया। बिल्कुल, अरे मीडिया आप पूछो सरकार से कि जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही थी, जो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कह रही थी, जो महंगाई कम करने की बात कह रही थी, जो हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात कह रही थी, जो पार्टी ये कह रही थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भैया 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी होता और भारत में कितने शहर हैं? आप क्या बोल रहे हैं? फूस तो बोलो, ढाक के ढाक कुछ भी बोल जाओ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना है कि कल बिहार में बहुत ज्यादा नींबू इकट्ठा हो गए थे। क्या नींबू इकट्ठा हो गए? जितना भी विपक्षी दल के नेता एकत्रित हुए थे, सबको नींबू से संबोधित किए हैं। कौन सा उप मुख्यमंत्री? तारकिशोर प्रसाद। ऐसा पनौती कि वो जो पुल गिरा ना खगड़िया वाला, तो डिप्टी सीएम भी थे वो। ये तो जांच होनी चाहिए, सरकार में थे 5 साल से, दूसरे को कह रहे हैं। अरे आपने किया क्या ये तो बताओ। आप नींबू आ गाजर आ मूली बैगने में रहिएगा कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की भी बात कीजिएगा? पूछिए भाजपा नेताओं से। क्या विपक्षी दल के नेता नींबू हैं? अरे भैया ये तो ये लोग अनर्गल बात करते हैं, ये सब बात पर चर्चा ही नहीं करना चाहिए, अच्छाई की चर्चा करो। इनके पास चर्चा मीडिया रोज कर रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है मीडिया की? कौन सी अच्छाई चर्चा कर रही है बता दो। अमेरिका में जाकर डंका बजा रहे हैं मोदी। अरे मीडिया से बढ़िया कोई है अभी देश में ईमानदार? क्या हो रहा? अमेरिका में डंका बज रहा है। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। अमेरिका के कितने? अरे आपके घर में दिया है। अरे आपके घर में चूल्हे जल रहे, खत्म हो गया है। अरे बताओ ना भाई, बाप का फटा हुआ चड्डी है, हैं? अब बेटा कहेगा मादी मादी मादी, घर में चूल्हे नहीं जल रहे? जाकर देखिए, आप जाकर देखिए, भाड़ा नहीं है, कच्चे में नारा नहीं है, अब फिर भी बात वही मोदी मोदी। सारे अनुभक्तों को जो कह रहे, देश एक अलग सिचुएशन में दौड़ रहा। एक बात बताइए, पहला बार ऐसा सरकार हमने देखा कि आरबीआई से नोट छप, प्रेस से नोट छपा, आरबीआई नहीं पहुंचा। पहला बार ऐसा देखे केदारनाथ के गर्भगृह से मोदी जी के राज में सोना पीतल में तब्दील हो गया। आप बताओ ना, उस पर चर्चा नहीं कर रहे? पुलवामा में घटना हो गई, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, जेलेटिन कहां से आया, उसका पता नहीं चला। व्यापम घोटालों का पता नहीं चला। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं देश को, हिंदू है ना आप? अच्छा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनता बता दो। हिंदुओं का राज आएगा कैसे? आएगा हिंदू बेटियां,
देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू खेल मंत्री तमाम लोग थे, और उन हिंदू बेटियों को जबरन दिल्ली पुलिस, जो हिंदू गृह मंत्री के अंदर में आता है और अपने आप को गृह मंत्री हिंदू कहते हैं लेकिन जैन समाज से आते, लेकिन उन हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा से बड़ा होता है किसान, किसान पूरी मानवता का पालक होता है, तो इतने बड़े बड़े लोहे के सूल लगा देते हैं, वो लोहा का कोबरा वायर लगा देते हैं जो जंगली जानवरों के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। आप देखिए ना उन कश्मीरी पंडितों के, आप देखिए उनको वेतन तक नहीं मिल रहे, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे। अरे भाई सुन तो लो, आदि पुरुष पर भी चर्चा कर लो ना, हिंदू प्रधानमंत्री के समय में हिंदू प्रभु श्री राम हिंदुओं के आराध्य देवता पर नहीं। अरे भाई फाइल बना के इंसाफ तो दिला दिया गया देश में, शर्म कीजिए आप पत्रकारों को, थोड़ा सा भी अगर शर्म होता। पहली बार आजाद भारत में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर भाजपा के लोगों ने चलवाया है, पहली बार कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर भाजपा के लोगों ने पैसे कमाए हैं, फिल्म डायरेक्टर के साथ मिलकर टैक्स फ्री कराकर पार्टी फंड में चंदा लेकर कश्मीरी पंडितों को वेतन तक नहीं दे रहे, दिल्ली के सादिक नगर से मकान तक खाली कराए गए। मीडिया ने उस चीज को दिखलाया, आप मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। कौन सा मीडिया दिखा दिया कश्मीरी पंडितों को वेतन ना मिल रहा, कौन सा? आज तक कभी एक बार भी चर्चा ना की है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। जो कानपुर की घटना हुई, शर्म कीजिए। खोड़ी गांव में कितने मंदिर टूटे, आप लोग पत्रकार हैं बता दीजिए, है हिम्मत? अगर आप लोग गोदी मीडिया नहीं है तो बता दीजिए कि खोड़ी गांव में जहां मनोज तिवारी से लेकर भाजपा के तमाम नेता जहां झुकी वहीं मकान की बात कह रहे थे, भाजपा की सरकार में दबाव में कितने मंदिर टूटे बता दीजिए, मान लेंगे कि आप लोग निष्पक्ष खबर दिखाते हैं। है पता आपको? नहीं पता है। 40 मंदिर तोड़ दिए गए। आप जाइए ना, जाइए अयोध्या, जिन लोगों ने कार सेवकों की सेवा की थी आज उनके घर और दुकान मकान सारे उजाड़ दिए गए, आप नहीं दिखाते, उनको न्याय तक नहीं मिली। आप जाइए तो सही। राम को लाया है जनता, उनको लाएगी, बात खत्म। 2024 राम को कौन लाया है? घोटाला नहीं हुआ। अरे राम को कौन लाया है? कौन लाया भैया? हेलो, हम लाए हैं, बीजेपी वाले कह रहे हम लाए हैं। अब भाजपा कैसे ले आएगी? इसका मतलब भाजपा का नेता सब बपजेट है। भगवान राम हम सबको लाए हैं, ये पूरी की पूरी सृष्टि भगवान राम की है। हम राम को कैसे ला सकते हैं? कोई अपने बाप को, दादा को ला सकता है क्या? आप लोग तो राम विरोधी है। लाएगा क्या? राम विरोधी है आप लोग। आदिपुरुष को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना बीजेपी, तो आदिपुरुष को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। आदिपुरुष में ऐसा क्या है जो बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं? रवि किशन विरोध कर रहे, सपोर्ट कर रहे थे। हैं रवि किशन बीजेपी के जो सांसद है, वो भी विरोध सपोर्ट कर रहा है। उसके पास दिमाग है, गोबर को चवनप्राश समझ के खाता है, उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वैसा भी इंसान का अगर बात कीजिएगा जिसके खुद के चार बच्चे हैं, कहते हैं नेहरू जी की गलती से हो गया। अरे नेहरू जी थोड़े ना स्वागत मनाए थे, रवि किशन जी मनाए थे। आप ऐसी बात कह रहे हैं, आप वैसा, आप जनसंख्या कानून पढ़ो, कानून बनाते, कहते हैं कि कांग्रेसियों की गलती है, तो कांग्रेस का नेता अच्छा लगे क्या? आप देखिए ऐसी बातें ना किया करें, वो बेवकूफ लोगों की चर्चा मत करें, उनके पास दिमाग ही नहीं है।